हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का। तीनों बुक्स दोबारा से करनी है, 100% सिलेबस को कवर करना है। बेटा हमारा जो पढ़ने का स्टाइल है वही रहेगा वापसी, कि हमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन रट के नहीं लेके जाना कि उस क्वेश्चन में ऐसा होता था जी मैं वैसा ही कर दूं। बेटा कंसेप्ट लेके जाना, क्वेश्चन तो रिपीट कभी नहीं होंगे। सीबीएसई ने आज तक शायद बिरला ही कोई क्वेश्चन अकाउंट्स में रिपीट किया हो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, कंसेप्ट याद रखोगे समझोगे तो आसान बनेगा आपके लिए। अभी रिवीजन में कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, जो बच्चे भी दोनों बैचेस में नहीं थे तो उनको अच्छे से पता लग जाएगा। बेटा ये अरिहंत की चैप्टर वाइज बुक है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं 2012 से लेकर 2024 तक। पिछले 13 सालों के पेपर हैं, इवन कंपार्टमेंट के भी पेपर हैं पिछले 13 सालों के। ऑल दो खैर कंपार्टमेंट से हमारा क्या वास्ता। ठीक है जी, पर आप ये समझो 26 एग्जामिनेशन के पेपर हैं इसमें सीबीएसई के। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इसका भी करना है। फर्स्ट बुक हम टीएस गरेवाल सर से करते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पूरी बुक हम टीएस गरेवाल सर की बुक से करते हैं। बाकी दोनों डीके गोयल सर की बुक से करते हैं, वो तो करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स हमें बेटा अरिहंत चैप्टर वाइज करनी है। एक आध सैंपल पेपर और लगेगा, वो टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब लग जाएगा। ठीक है जी, अभी तो थोड़ी मेरी जांच पड़ताल ही चल रही है कि क्या लगवाया जाए कौन। ठीक है जी, ये बात मैंने दूसरे बैच में बोली है। बेटा अगर आप चाहो तो दो बच्चे मिलकर एक सैंपल पेपर भी खरीद सकते हो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हर बच्चे को अलग अलग अरिहंत का सैंपल पेपर भी खरीदना है और मैं एक और लगवाऊँ वो भी खरीदना है। ऐसा हो गया, मान लो किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो एक ने अरिहंत खरीद लिया और एक ने ओसवाल खरीद लिया, मान लो अगर मैं ओसवाल लगवाऊँ, और बाद में आप रिप्लेस कर सकते हो जैसे भी आपकी कन्वीनियंस हो। ठीक है जी, और अगर आपको लगता है नहीं भैया मेरे को तो सेपरेट लेना है, तो वो आपकी इच्छा। मेरी तरफ से दो बच्चे मिलके भी एक खरीद लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है जी, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। बेटा फर्स्ट बुक का रिविजन ही स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ऐसा हो सकता है इस बार जब मैं बुक खत्म करूं तो एनालिसिस की बुक ना कराऊं पहले, ऐसा हो सकता है। मैं सोच रहा था अकाउंटिंग फॉर कंपनी पहले करें, तो मैंने ना ऐसा सच में सोचा था कि मैं रिवीजन है पहले अकाउंटिंग फॉर कंपनी करा रहा। सच में ऐसा मैंने मूड बना लिया था, बस फिर मुझे ये लगा कि तुम थोड़े दिन बाद रोने लग जाओगे, प्री बोर्ड आ गए जी, फिर बुक रिवाइज नहीं हुई है, फिर मैंने स्टक कर दिया यार। अभी हाफ इडली में आधे परेशान थे कि हमें पार्टनरशिप कुछ भी नहीं आती। भैया तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, इंसान है ना, जरूरतों का पुतला है ये। अभी मैं पार्टनरशिप देखना हर एक क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, जो दिन मैं बुक खत्म करूंगा ना आधे चीख पड़ेंगे यार कंपनी भैया बिल्कुल नहीं आती देखना। और अभी कंपनी कराई है मैंने खत्म, फिर कंपनी करा तो फिर कहेंगे एनालिसिस नहीं आती, एनालिसिस खत्म होने के बाद फिर कहेंगे फिर पार्टनरशिप तो भूल गए। चलो खैर, तुम तो ये लगे ही रहोगे, तो पार्टनरशिप से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग कर रहे हैं हम पार्टनरशिप की। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे कमाल की बात है, तुम्हारा जिक्र भी आता ही है चैप्टर के नाम में कहीं ना कहीं। ये देखो आई रहा है मेंटल्स। तो बाबू अभी शुरू में आज का लेक्चर थोड़ा सा थियोरेटिकल, ठीक है जी, थोड़ा सा पोर्शन प्रैक्टिकल, कल से तो प्योरली प्रैक्टिकल। अभी थोड़े थोड़ा बात कर लेते हैं, जो थ्योरी की बात है पहले वो थोड़ी सी फिनिश कर देते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड मतलब अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करूँ तो वो भी बता सकूँ आप। वो पार्टनरशिप में दो डॉक्यूमेंट बनते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। वन इज पार्टनरशिप डीड एंड अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। बेटा
पार्टनरशिप में दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, वन इज पार्टनरशिप डीड एंड अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप डीड इज अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, इसके बिना बेटा पार्टनरशिप हो नहीं सकती। ये अभी तक जो मैं बोल रहा हूं ना बात, ये सारी मैं अभी 11 तक की बात बोल रहा हूं, इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा बताता हूं। बेटा पार्टनरशिप डीड एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, ये मैंने अभी तक जो नॉलेज दी ये 11th क्लास की नॉलेज है। 12th क्लास में कुछ एनहांसमेंट होगा, वो कंसेप्ट नंबर 2 या 3 में हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज टोटली अ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। बेटा पार्टनरशिप डीड होती क्या है, 11th की नॉलेज के हिसाब से बोलो तो 11th में बताया जाता है हमें पार्टनरशिप क्या है बेटा, अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन पार्टनर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स के बीच लिखे जाने वाला एक रिटन डॉक्यूमेंट है। और बाबू इंडिया में ना जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट है, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं बेटा, ये एक ही पेपर पे लिखे जाते हैं, वो है स्टैम्प पेपर। तो बाबू ये रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर के बीच लिखा गया एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप की सभी शर्तें लिखी हुई है, ठीक है जी। बेटा अगर ये शर्तें ना हो तो पार्टनरशिप भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है तो पार्टनरशिप है, डॉक्यूमेंट नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं। अब बेटा इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या क्या रहता है, एवरेजली बोलो तो बेटा 18 से 20 मैटर लिखे रहते हैं, पर क्या हमें सब पता होने चाहिए, सब ना भी पता हो तो बेटा बेसिक बेसिक बातें तो पता ही होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है, मैं लिखने में अब समय व्यर्थ नहीं करूंगा, कोशिश करना मैं दो बार बोल दूंगा कि आप समझ सको। पहली चीज जो लिखी जाती है वो है बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हमारी नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस बेटा हेड ऑफिस के भी हो सकता है और ब्रांच ऑफिस के भी। मान लो मैंने पार्टनरशिप करी किसी के साथ, पुंज के साथ, और मैं 4 जगह पे बिजनेस कर रहा हूँ, 1 हेड ऑफिस है, 3 ब्रांच ऑफिस है, तो पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा रहेगा, सारे एड्रेस लिखे रहे, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर के नाम भी लिखे रहेंगे, उनके भी एड्रेस लिखे रहेंगे। थर्ड वन मेरे को लगता है पार्टनरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, थर्ड नंबर पे लिखी रहती है PSR। क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत है, नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट इज ऑल्सो द लॉस शेयरिंग रेशो टू, प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस। तो बाबू अगर प्रॉफिट इस रेशो में बटेंगे तो लॉस भी इसी रेशो में बटेंगे। मान लो आप 3 पार्टनर हो ABC और आपने डिसाइड करा कि हमारे बीच की रेशियो क्या होगी 3:1, तो प्रॉफिट भी 3:1 में बटेंगे और लॉसेस भी 3:1 में बटेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद लिखा रहता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्रॉइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड, यानी कि चारों मैटर, कैपिटल का, ड्रॉइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, ठीक है जी। 3 पहले हो गए, 4 ये बता दिए, 7 आगे बताओ, सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर, 8 ड्यूटीज ऑब्लिगेशन राइट्स ऑफ पार्टनर, 9 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इन सबकी शर्तें लिखी रहती है। ABC पार्टनर है, डी ऐसा हो सकता है ना कह दे कि मैं आपकी पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ, तो एडमिशन से रिलेटेड क्या शर्तें हैं वो भी यहीं लिखी रहेंगी। अगर ABC में से B कह दे जी मैं रिटायर होना चाहता हूँ, रिटायरमेंट की क्या शर्तें हैं वो भी यहीं लिखी रहेंगी। किसी पार्टनर की डेथ होगी तो क्या होगा वो भी यहीं लिखा रहेगा। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करना चाहते हो कैसे कर सकते हो वो भी यहीं लिखा रहेगा। इवन मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, पार्टनर्स के बीच लड़ाई झगड़े हो जाए तो क्या होगा ये भी लिखा रहेगा कि कैसे रिजॉल्व कर सकते हो उसको। ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा, ऑडिटर का भी नाम लिखा रहेगा, ठीक है जी। तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी बेटा जो इसके अंदर लिखी रहेंगी पार्टनरशिप के बीच, ठीक है। क्या है पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप।
ठीक है, और बहुत सारी बातें बताई, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनरशिप, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इच पार्टनर, ड्रॉइंग्स मेड बाई इच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज, सैलरी कमीशन अलाउडेड टू एवरी पार्टनर, ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट, ऑडिटिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, सब लिखा रहता ठीक है। कुछ 17-18 मुद्दे हैं, आगे बढ़ो बेटा। ये तो एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, भी पता लग गया, इसके बिना तो पार्टनरशिप बनी ही नहीं बेटा। रजिस्टर्ड कराना फर्म को या नहीं कराना, इट इज टोटली अ ऑप्शन, ये आपकी मर्जी है। क्या अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हो या नहीं? अगर नहीं भी कराओगे तो भी पार्टनरशिप फर्म पे कोई खासा इंपैक्ट नहीं है, बट तीन कॉन्सिक्वेंसेस हैं बाबू। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज टोटली ऑप्शनल वन, कराना करा लो, नहीं कराना नहीं कराओ, बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ रहा, पर तीन कॉन्सिक्वेंसेस अराइज जरूर है। क्या है तीन कॉन्सिक्वेंसेस बेटा? पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस कभी नहीं कर पाएगा। एबीसी पार्टनर है, सी की लड़ाई होगी अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ, एंड सी वॉन्ट्स टू फाइल अ केस ऑन द पार्टनरशिप फर्म। बेटा आप केस नहीं कर पाओगे अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है जी बेटा। और पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर पे केस नहीं कर सकती। पार्टनरशिप फर्म की लड़ाई हुई है सी के साथ, एंड पार्टनरशिप फर्म वॉन्ट्स टू फाइल अ केस ऑन सी, बेटा आप भी नहीं कर सकते केस। तीसरा कॉन्सिक्वेंस, पार्टनरशिप फर्म कभी आउटसाइडर पे केस भी नहीं कर पाएगी। आउटसाइडर मतलब मेरे बिजनेस के बाहर के लोग। मान लो बेटा पार्टनरशिप फर्म की लड़ाई हो गई किसी उसके सप्लायर के साथ, एबीसी तो इकट्ठे हैं इस बार, सप्लायर के साथ लड़ाई हो गई या किसी क्रेडिटर के साथ, बेटा आप केस करना चाहते हो, आप केस नहीं कर सकते अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है जी। मैं ना आपको ये बता देता हूँ, स्पेशली चौथा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, बच्चे बड़े फ्लो में बैठे होते हैं, ऐसे लिखते हैं, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती, और चौथा खुद बना देते हैं कि आउटसाइडर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता। बेटा चौथा कोई कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं, आउटसाइडर हमेशा ही केस कर सकता है आपके ऊपर, वेदर योर फर्म इज रजिस्टर्ड और नॉट, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो भी, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी। देखो अगर लॉ ऐसा बन जाता कि लिखा होता चौथा कॉन्सिक्वेंस कि आउटसाइडर भी पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो दुनिया में एक आदमी भी ना होता जो अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एबीसी ने फॉर्म बनाई, रजिस्टर्ड नहीं कराए, सप्लायर से सामान खरीदा पैसे नहीं दे रहे, उसके उधार खरीदा पैसे नहीं दे रहे, सप्लायर ने आखिरी में आके वार्निंग दे दी, मैं तुम्हारी फॉर्म के खिलाफ मुकदमा कर रहा हूँ, कहते करके दिखा। लॉ ही नहीं कहता, अगर लॉ गलती से कह देता ना कि आउटसाइडर पार्टनरशिप फॉर्म में मुकदमा नहीं कर सकता अगर आप रजिस्टर्ड ना हो, तो दुनिया में कोई रजिस्टर्ड ना कराता फॉर्म और धोखे देता सारे आउटसाइडर को। इसलिए चौथा कोई कॉन्सिक्वेंस लिखा नहीं गया बेटा, आउटसाइडर हमेशा ही केस कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर, चाहे आप रजिस्टर्ड हो तो भी, चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी। क्लियर है बात? कॉन्सिक्वेंसेस सब तीन है, आगे बढ़ सकते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट समझ में आते हैं, आगे बढ़े बेटा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन का जिक्र कर रहे हैं मुझे, वो
मैंने ना डेफिनेशन के दो पार्ट कर दिए, सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आराम से समझना बेटा। फर्स्ट जो पार्ट है ना, हमारी जनरल सेंस भी यही बोलती है कि पार्टनरशिप को डिफाइन करने वाला खुद ही लॉ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसने बताया कि पार्टनरशिप क्या है मेरे लिए। अब वो अगर खुद लॉ ने बताया है तो आप समझो ना यार बेटा, क्या आपकी और मेरी मजाक कि हम अपने हिसाब से मन में कुछ समझे पार्टनरशिप है। और वो लॉ ने बताया, कहता है इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बेटा कहता है लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए, ये है पार्टनरशिप। अच्छा मन में सोचो आज मैं कि पार्टनरशिप, जब तक मैंने नहीं पढ़ी थी डेफिनेशन तो मेरे लिए क्या थी, यही तो थी लोगों के बीच के ऐसे रिलेशन जहां प्रॉफिट बढ़ता हो, वही तो पार्टनरशिप है। जनरल सेंस भी यही कहती थी बेटा, ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्लूड द लॉसेस, मतलब लोगों के बीच के ऐसे रिलेशन जहां खाली प्रॉफिट ना बटे लॉस भी बटे, वही पार्टनरशिप है। ये जनरल सेंस भी थी, लेकिन बेटा दूसरी बात जनरल सेंस नहीं बोलती, ये आराम से समझना बेटा। दूसरी बात में लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को हम प्यार से, इसी इतनी बड़ी टर्म को हम प्यार से बेटा बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बेटा कहते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे तो इतना बड़ा बोलो चाहे बोलो म्यूचुअल एजेंसी। कैरिड ऑन बाय ऑल का क्या मतलब है, कहता है सब मिलकर फॉर्म चला लो और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सब मिलकर फॉर्म चला लो का क्या मतलब है बेटा, मान लो मेरा एग्जांपल वही है, एबीसी मेरे पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर है। देखो तीनों के तीनों पार्टनर, तीनों के तीनों पर्सन ये पार्टनरशिप फॉर्म के प्रिंसिपल्स भी हैं और तीनों के तीनों लोग एजेंट भी हैं। तीनों प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स मतलब तीनों मालिक हैं, और कहते हैं तीनों एजेंट हैं, मतलब तीनों आप नौकर भी हो, सिर्फ मालिक नहीं हो आप, तीनों नौकर भी हो। कहते हैं सब मिलकर फॉर्म चला लो, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सब मिलकर फॉर्म चला लो। मैं कहूं बेटा एबीसी को कहीं से प्रपोजल आया कि दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लो, एबीसी ने कहा प्लान किया कि कल सुबह जाएंगे प्रॉपर्टी देख कर आएंगे, अच्छा लगा तो एग्रीमेंट साइन कराएंगे। तीनों एक गाड़ी में बैठ गए, आराम से प्रॉपर्टी देखी, तीनों को समझ में आई, तीनों ने डिस्कशन किया, एग्रीमेंट साइन कर दिया। मैं आपसे पूछूं ये क्या हुआ बेटा, सबने मिलकर फॉर्म चला ली, कैरिड ऑन बाय ऑल हुआ और कुछ नहीं हुआ। और आगे क्या लिखा है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब बेटा एबीसी तीनों ने प्रॉपर्टी देखने जाना था, बी और सी ने एटवंस मना कर दिया कि हमें कोई और अर्जेंट काम आ गया हम नहीं जा सकते, ए आप चले जाओ और अगर आपको पसंद आए तो आप एग्रीमेंट साइन करें। ए दिल्ली गया, अकेला गया, प्रॉपर्टी देखने गया, ए को समझ में आ गई, ए ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। बस मुझे पता कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है कल को इसकी वजह से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये सिर्फ ए का है या पूरी पार्टनरशिप का है, पूरी पार्टनरशिप ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं, लॉ कह रहा है भाई एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म को बाइंड कर सकता है बेटा, एक पार्टनर सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है। कोई पार्टनर अगर किसी जगह पे साइन कर देता है ना बेटा, वो एग्रीमेंट सिर्फ उस पार्टनर पे नहीं लगता, पूरी पार्टनरशिप फर्म पे लगता है। एंड हेयर ए इज एक्टिंग एज द एजेंट। जो ए गया ना दिल्ली और मेहनत करके काम करके आया, नौकरों की तरह गया बेटा, एजेंट की तरह गया, और बी और सी घर बैठे हुए आराम से प्रिंसिपल्स की तरह कि हम मालिक हैं। पर ध्यान रख लेना बेटा, कभी ना कभी कोई मालिक होता है, कभी ना कोई कोई एजेंट होता है। मैंने बोला ना सब पार्टनर प्रिंसिपल भी हैं, सब एजेंट भी हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज को और क्लियर करने के लिए बेटा। मैं संडे को ना छुट्टी रखता हूँ बट मेरा ऑफिस खुलता है संडे, तो मेरा जो पार्टनर है वो एजेंट की तरह काम करता है पार्टनरशिप फर्म के, नौकर की तरह काम कर रहा होता है, और मैं संडे को आराम कर रहा होता हूँ मालिकों की तरह, प्रिंसिपल की तरह। बट ट्यूजडे आते आते मैं ट्यूजडे पढ़ाता हूँ बैच,
और मेरा पार्टनर इनफेक्ट ट्यूजडे आज, और मेरा पार्टनर बेटा हमारा ऑफिस बंद रहा था, वो प्रिंसिपल की तरह आराम कर रहा होता और मैं एजेंट की तरह पिस रहा होता हूँ। सेम वे इस एग्जाम्पल में भी मैंने ए बी सी की बात करी कि ए नौकरों की तरह गया और बी और सी आराम कर रहे थे। कभी ऐसा हो कि बी को जाना पड़े, ए और सी आराम करें तो बी एजेंट ए सी प्रिंसिपल, और कभी सी जाए तो सी एजेंट ए और बी प्रिंसिपल। तो सब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के प्रिंसिपल्स हैं, सब एजेंट, सब मिलकर भी फर्म चला सकते हैं और कोई एक पार्टनर भी अपने एक्ट से सारी फर्म को माइंड कर सकते ठीक है जी। ये था डेफिनेशन पे छोटा सा एनालिसिस, आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा ये लास्ट थियोरेटिकल टॉपिक है, इसका मैं सीधा प्रैक्टिकल में शिफ्ट करूं। बेटा बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर की। 11th क्लास में तो कह रहा बहुत सारे टाइप मुझसे बढ़ चुके हो, मुझे सबकी बात नहीं करनी यहाँ पर। मैं बेटा दो ही तरीके के पार्टनर की बात करने वाला हूँ, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। बेटा सामने देखना, क्या होता है एक्टिव पार्टनर और क्या होता है स्लीपिंग पार्टनर। बेटा एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन को लेकर कोई फर्क नहीं होता। कैपिटल ये भी डालता है, कैपिटल बेटा ये भी डालता है, लायबिलिटी को भी लेके कोई फर्क नहीं होता। इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी लेके कोई खास फर्क नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट ये भी करता है, प्रॉफिट या लॉस इसको भी मिलते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बेटा ही इज टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, इसलिए इसको बोला गया एक्टिव पार्टनर, जबकि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसको बोला गया स्लीपिंग पार्टनर। एग्जाम्पल जो पिछली बार दिया था वही सेम एग्जाम्पल। बेटा ए बी सी तीन लोग ना मिलकर एक स्कूल कंस्ट्रक्ट कर रहे, और तीनों के पास अपने दो दो करोड़ रुपए, ठीक है, सब तामझाम प्रॉपर्टी बेच। इन्होंने एक आर्किटेक्ट को अप्रोच किया और इनको बताया कि आप हमारे को ना वो स्कूल की बिल्डिंग सजेस्ट कर दो, बस इतनी ही बिल्डिंग बताना कि 6 करोड़ में हमारा काम भी चल जाए, क्योंकि हम सब कुछ बेच बाच के लगाएंगे। तो आर्किटेक्ट ने एक जगह भी सजेस्ट करी उनको, एक जैसी बिल्डिंग बन सकती थी 6 करोड़ में वो भी सजेस्ट करी। पर आर्किटेक्ट ने साथ में ये भी बताया कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टाइम है ये कोई एक दिन में कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकेगी, लगभग 1.5 से पौने 2 साल का समय लगेगा इस टोटल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होने, ठीक है जी। इन्होंने बेटा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, वो 3 महीने के बाद मटेरियल हाइक ले गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया, इन्होंने महंगे में भी सामान खरीदा, और 3 महीने के बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल और महंगा हो गया, इन्होंने और महंगे में सामान खरीदा, फिर और महंगा हो गया खरीदा, चलती रही कहानी। बेटा 1.5 साल का समय हो गया, खाली हो गया, ये सब पैसे जा चुके हैं, बट बेटा बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? जो मटेरियल हाइक लेता रहा वो कैलकुलेशन मिसिंग थी टोटल आर्किटेक्ट की बात। अब ये परेशान है कि आधी अधूरी बिल्डिंग है, सब कुछ लग चुका है, प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं है। इन्होंने अप्रोच करा किसी पर्सन मिस्टर डी को कि मिस्टर डी आप हमारे पार्टनर बन जाओ, इक्वल पार्टनर, हमने भी 2-2 करोड़ लगाए हैं, आप भी 2 करोड़ लगा दो, सबकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1:1 हो जाएगी। डी ने कहा जी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की मेरे पास वैसे भी कोई कमी नहीं है, मैं लगाने को तैयार, सिर्फ दिक्कत एक बात की है। मैंने कहा जी क्या दिक्कत? डी ने कहा जी मेरी तो अच्छी खासी दुकान चलती है, शहीदगंज में मेरी दुकान है, मैं तो दुकान से 1 मिनट भी नहीं हिल सकता, मैं कहाँ से देखूंगा कोई कंस्ट्रक्शन का काम, मैं कहाँ से देखूंगा स्कूल बनने के बाद कोई मैनेजमेंट का काम, मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। एबीसी ने डी को कहा कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं भी देख सकते तो मत देखना, बस पैसे लगा दो। डी ने कहा श्योर हो तुम इस चीज को लेकर कि मुझे बराबर हिस्सा दोगे, बस मुझसे पैसे चाहिए तुम्हें? उन्होंने कहा जी बिल्कुल श्योर है, आप तीनों काम देख लेना, मतलब ए बी सी तीनों ने कहा जी हम काम देख लेंगे और आपको आने की कोई जरूरत नहीं। डी ने पैसे डाल दिए। सर
इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ यही है कि एबीसी तीनों एक्टिव पार्टनर है, क्योंकि दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। लेकिन बेटा डी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट लॉसेस मिल जाएंगे इसको, कैप लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड, पर बेटा मैनेजमेंट नहीं देखेगा, डे टू डे एक्टिविटीज नहीं देखेगा। तो अब वो डी क्या है यहाँ पर, डी एक स्लीपिंग पार्टनर है या डोरमेंट पार्टनर है, और एबीसी क्या है बेटा, एक्टिव पार्टनर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, मैंने यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है अगले 5 मिनट के बाद, तो थोड़ा अवेयर रहें। और वो अब मैंने जैसा कि बोला था कि हम कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, तो बेटा अब हम पहला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। बेटा मेरा पहला कंसेप्ट रिलेटेड है, कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल भी बोर्ड पे ना लिखूं, सारे नोट सारी पीडीएफ बोर्ड पर लेकर आऊं, आज हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत लिख भी दूं। बेटा पहला कंसेप्ट मेरा रिलेट करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक ही बात है। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, समझते हैं। बेटा 11th क्लास में थे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है जी। अब वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिसमें ऊपर बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका रिजल्ट आता था इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो इस साइड आता था, आप लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाद में इसको ब्रॉड डाउन करते थे, देन पीएनएल अकाउंट की शुरुआत होती थी। अगर ग्रॉस लॉस आता था तो इस साइड आता था, ब्रॉड डाउन करते थे, फिर शुरुआत होती थी प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा पीएनएल अकाउंट में यहाँ सारी इनकम दिखाते थे, यहाँ सारे खर्चे दिखाते थे, और आखिरी में रिजल्ट बचता था इधर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और मैं मान लेता हूं मेरे एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट बचता। और बाबू उसके बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट, उसके बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट, यही करते थे, सोलो राइटरशिप के अकाउंट बनाते थे। बैलेंस शीट में भी अगर मेरे को सिर्फ एक बात याद करानी हो तो लाइबिलिटी साइड सबसे पहले लिखते थे कैपिटल, और उसमें प्लस करते थे या तो नेट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस होता था तो वो माइनस करते थे, नेट लॉस है तो माइनस, नेट प्रॉफिट है तो वो प्लस कर देते, ये करते थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं, ये तो बनेगा ही बनेगा पक्का जितना लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी, इतना तो बनेगा बनेगा। इसके अलावा एक और अकाउंट ऐड होगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये कहां पर ऐड होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और उसके बाद एक और अकाउंट बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉजिक है बनने का। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं बेटा, आप नहीं लिख सकते, आपने पूरा ही लिखना है। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे भी वही स्टेटमेंट लिखी रहती है जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के नीचे लिखते हो, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल एंडिंग ऑन नेक्स्ट 31st ऑफ मार्च, ठीक है जी। फॉर्मेट भी सेम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, बेटा चार कॉलम से मिलकर बना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बेटा अकाउंट बनने का लॉजिक क्या है, देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे सारी इनकम आउटसाइडर्स, मैंने कुछ भी खर्चा देना है किसी को भी देना है आउटसाइडर है, या यहां दिया होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या पीएनएल अकाउंट के डेबिट में,
किसी थर्ड पार्टी से पैसे लेने हैं मेरी पार्टनरशिप फर्म ने, बेटा इनकम है या यहां पर आया होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में या पीएनएल के क्रेडिट में। अब बात ये होती है, अच्छा अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, पीएनएल अकाउंट बनाऊं और बैलेंस शीट बनाऊं, मैंने पार्टनर्स को अगर कुछ देना हो, क्या मैं पीएनएल अकाउंट में दे सकता हूं? नहीं बेटा, ये अकाउंट थर्ड पार्टी के लिए, इट इज नॉट फॉर इनसाइडर्स। ना ही पार्टनर को कुछ दिया जा सकता है पीएनएल अकाउंट में, ना ही उससे कुछ लिया जा सकता है पीएनएल अकाउंट। उसके लिए अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको मेरा कंसेप्ट लिखा हुआ याद है, मैं सिर्फ अभी एक ही बात बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा बेटा। मैंने कंसेप्ट में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर अंडर डिफरेंट एक्ट। बेटा ये क्या शो करता है? ये अकाउंट शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर्स अंडर द डिफरेंट एक्ट, कि प्रॉफिट को डिफरेंट पार्टनर्स में, डिफरेंट एक्ट्स में आप कैसे बांटोगे। इस अकाउंट में बेटा हम पार्टनर्स को कुछ दे भी रहे हैं, पार्टनर्स से कुछ ले भी रहे हैं। ये काम पीएनएल अकाउंट में नहीं होने वाला। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अकाउंट क्यों बन रहा है ये समझ में आए, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। अब मैं काम की बात ये बता देता हूं कि ना तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट पे जज किया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इक्का दुक्का बात है, और ना ही मुझे ज्यादातर केस में बैलेंस शीट पे जज किया जाता है। इस पूरे चैप्टर मुझे जज सिर्फ एक ही चीज पे किया जा रहा है, वो है बेटा मेरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। यानी कि ये डीम करते हैं, ये मान कर चलते हैं कि आप इसमें मास्टर हो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट पे आप मास्टर हो, ये मान लेते हैं आपको, और एक्चुअली में आप हो भी। ठीक है, हल्का हल्के हो गया तुम किसी से, अपने आप को हल्का क्या समझना बेटा। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या क्या आइटम्स शो करते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते बेटा। इस अकाउंट की शुरुआत या तो नेट प्रॉफिट से होगी या नेट लॉस से होगी। यानी कि क्योंकि ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट या तो नेट प्रॉफिट होता है और बेटा या नेट लॉस होता है, इन दोनों में से एक ही होगा, और इन दोनों में से जो एक होगा उसके बाद इस अकाउंट की शुरुआत होगी। सबसे पहली आइटम यही है। मानो मेरे एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट आया तो बेटा क्या करूं, कैसे लेके जाऊं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? बेटा एक अकाउंट से अगर कोई चीज दूसरे अकाउंट में जाती है तो उसकी दो शर्तें होती है ना, इतना तो 11th में सीखा है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की दो शर्तें, एक तो बेटा साइड बदल दो। बेटा ये क्या, कौन सी साइड लिखा है? टू साइड, तो लिख दो बाय साइड, साइड बदल दो। नाम किसका आएगा? अकाउंट का आएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट मत लिख देना। अकाउंट का नाम क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है ना, तो नाम अकाउंट का लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, कुछ दिन के बाद हम ये ब्रैकेट में लिखना बंद कर। ठीक है, अच्छा अगर ये नेट लॉस होता तो मैंने लिखा होता टू, साइड बदल दी, नाम अकाउंट का होता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। ठीक है जी बाबू, दिस अकाउंट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर। ये रहा प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट बटेगा बहुत सारे पार्टनर में अंडर द डिफरेंट हेड। ये कौन कौन से हेड में प्रॉफिट बटता है जी? बेटा अभी पता लगता है कौन कौन से हेड में बटता है। गिनती की आइटम इस अकाउंट में जा सकती हैं। मुझे लगता है अगर कोई फंस रहा है ना इसमें, पता नहीं क्यों ही फंस रहा है। ठीक है जी बाबू, इस अकाउंट का ना नेचर नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट होने से क्या होता है? 11th पास हो तो आपने नॉमिनल का रूल भी पढ़ा होगा। क्या रूल है नॉमिनल का? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉसेस को डेबिट कर दो, दुनिया की सारी इनकम सारे गेन्स को क्रेडिट कर दो। बट बेटा यहाँ आपको समझना होगा, मैं जो अकाउंट बना रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म के बना रहा हूँ, किसी पार्टनर के नहीं।
आपको पता है आपकी बुक का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आपको पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाने सिखाए जा रहे हैं, किसी पार्टनर के नहीं। पार्टनर तो खुद में एक सोल प्रोप्राइटर ही है, वो तो अकाउंट्स 11th में सीख लिया, उसके अकाउंट तो वैसे ही अकाउंट बनते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटर के बनते हैं। तो आपको पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट सीखने हैं। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूँ तो पार्टनरशिप फर्म के सारे खर्चे लॉसेस को डेबिट करना और किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के सारे खर्चे सारे लॉसेस इसी साइड लिखूंगा। मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूँ और पार्टनरशिप फर्म की सारी इनकम सारे गेन्स कहाँ लिखूंगा? ऑन द क्रेडिट साइड विच इज द राइट हैंड साइड। किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड ही तो डेबिट होती है और राइट हैंड साइड ही तो क्रेडिट होती है, और इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट, तो सारे खर्चे सारे लॉस होंगे डेबिट, सारी इनकम सारे गेन्स होंगे क्रेडिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? अब प्रॉफिट किस किस हेड में जा सकता है थोड़ा सा ये समझ। सबसे पहले बेटा एक्सपेंस हो सकता है सैलरी या कमीशन का, सैलरी और कमीशन, कई बार बेटा नाम आ जाता है रेम्यूनरेशन भी, सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। मान लो बेटा मेरे बिजनेस में दो पार्टनर हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पार्टनर की सैलरी या कमीशन या रेम्यूनरेशन पहले इंटरनल कॉलम में लिखूंगा देन बाहर लिखूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? ये मैंने डेबिट साइड क्यों लिखा? देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, मैं पार्टनरशिप फर्म, मेरे अंडर काम कर रहे हैं दो पार्टनर ए और बी, दोनों मेरे एजेंट भी तो हैं, नौकर भी तो है, नौकर बन के दिन रात काम कर रहे हैं। भैया नौकर सैलरी डिजर्व करता है कि नहीं करता ये बताओ? अगर वो थर्ड पार्टी होती तो बेटा मैं P&L अकाउंट में देता सैलरी, क्योंकि ये मेरे अंदर के बंदे हैं, इनकी सैलरी कहां दूंगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा, दुनिया के सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, तो मैं डेबिट साइड दिखा रहा, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो चाहे रेम्यूनरेशन, एक ही बात। ठीक है जी, सेम लॉजिक पर यहीं पर आए, आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा दोनों पार्टनर्स ने बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर, सामने देखना, दोनों के दोनों पार्टनर्स ने बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करी 10-10 लाख रुपए। मेरी पार्टनरशिप फर्म उनको ब्याज दे दिया। क्या 11th क्लास में जब आप सोल प्रोपराइटर की अकाउंटिंग करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे? याद है आपको? याद ही नहीं आने का। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट याद है? इधर देखना, बिजनेस तो अलग बात, बिजनेसमैन तो अलग बात। मैं 11th में भी ऐसे बोलता था कि बिजनेस अगर तो अलग बात माना गया और बिजनेसमैन तो अलग बात माना गया, बिजनेसमैन ने बिजनेस को चलाने के लिए अगर कोई कैपिटल दी है, बिजनेस कहता था ये पकड़ ब्याज, तो और मैं अलग अलग हैं, जब अलग अलग है तो ब्याज देनी पड़ेगी। सेम बात पार्टनरशिप फॉर्म में भी है बेटा, आप दोनों अलग अलग बात हो, बिजनेसमैन बिल्कुल अलग चीज है और बिजनेस बिल्कुल अलग चीज है, मतलब पार्टनर अलग चीज है, पार्टनरशिप फर्म अलग चीज है। पार्टनरशिप फर्म करिए अलग अलग है, ये पकड़ो ब्याज अपनी, तुमने बिजनेस को चलाने के लिए धंधा चलाने के लिए मुझे पैसे दिए, ये पड़ी तुम्हारी ब्याज। तो पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर। ठीक है जी, ये बात क्लियर? ये बात क्लियर, दोनों का लॉजिक है। एजेंट की तरह काम कर रहे हो, सैलरी डिजर्व करते हो, पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, इंटरेस्ट डिजर्व करते बेटा। ऑन द सेम लॉजिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट होता है, ऑन द सेम लॉजिक बेटा। इस बार ना ए और बी ने बिजनेस से ड्रॉइंग्स कर दी बेटा, इस बार बिजनेस ने भी याद करा दिया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि पार्टनर्स तुम अलग चीज हो और मैं पार्टनरशिप फॉर्म बिल्कुल अलग चीज, तुमने मेरे बिजनेस से ड्रॉइंग्स करी, पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला, लाओ अब तुम भी ब्याज दे दो। समझ में आती है? तो अगर बेटा पार्टनरशिप फॉर्म ब्याज रिसीव कर रही है
इनकम है, दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, तो मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दी बेटा इनकम। ठीक है जी, ऑल ओके। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, टू ट्रांसफर टू रिजर्व बेटा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, 100 क्वेश्चन में से किसी एक में आएगा, पर आ सकता है इसलिए मैंने लिख दी। अगर बेटा किसी अननोन लाइबिलिटी के लिए अपने प्रॉफिट आपने सेट असाइड करने हो तो वो भी यही होंगे। 5 लाख का प्रॉफिट था, 25 हजार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया, 1.5 लाख ये बांट दिया, 75 हजार ये बांट दिया, 2 लाख 25 हजार रुपए ये बांट दिए, और मान लो मैंने क्या बोला था, 15 लाख, 5 लाख, 5 लाख 25 हजार ये 5 लाख 25 हजार में से 2 लाख 25 हजार बांट दिए, 3 लाख बचे प्रॉफिट। अब मुझे लगा यार मेरे को प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन अलग रख लेना चाहिए, 1 लाख रुपए रख लेना चाहिए। तो बेटा अगर वो अलग रखना है, प्रॉफिट को सेट असाइड करना है फॉर द अननोन लाइबिलिटी, उसे तो रिजर्व बोलते हैं, अपने प्रॉफिट में से अमाउंट को सेट असाइड करो फॉर द अननोन लाइबिलिटी, तो बेटा वो पैसे भी यहीं सेट असाइड होंगे। मान लो 3 लाख का प्रॉफिट बचा, आपने 1 लाख रुपए सेट असाइड करने हैं, यहाँ 1 लाख लिख दो, हो गया पैसा रिजर्व के लिए साइड। अब कितना बचा प्रॉफिट, 2 लाख। ठीक है जी बाबू, अब क्या होगा बेटा, अब बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। आई होप बैलेंसिंग करनी आती होगी अकाउंट की, 11th में बहुत की है। क्या करोगे, हाईएस्ट टोटल करोगे बेटा, इन दोनों साइड का टोटल करोगे इन रफ, जो ज्यादा आएगा उसको दोनों तरफ लिखोगे। मेरे एग्जाम्पल में 5 लाख 25 हजार है और ये अभी तक 3 लाख 25 हजार है, 1.5 लाख 75 हजार, 1 लाख। तो मैंने क्या करा बेटा, दोनों साइड का टोटल करा, यहां दोनों तरफ लिखा 5 लाख 25 हजार, यहां बैलेंस कितना बच गया बेटा, 2 लाख। बेटा मैंने लिख दिया 2 लाख, और यहां लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो ए और बी के, ये प्रॉफिट ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहां बट जाएगा। मान लो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, तो 1-1 लाख रुपए बट जाएंगे दोनों पार्टनर की कैपिटल में, 1-1 लाख चले जाएंगे। अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है इनकी कैपिटल में क्यों लेके जा रहे हो बेटा, अगर 11th क्लास में थे तो कहां लेके जाते थे, जहां नेट प्रॉफिट हुआ सोल प्रोपराइटर अपने प्रॉफिट को कहां लेके जाता था, ये तो बताओ, कैपिटल में ही तो जोड़ता था। आपको पता क्या लॉजिक, मैंने वहां भी लॉजिक से समझाया होगा, आई होप इतना तो पता ही होगा क्या है लॉजिक, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखने का क्या लॉजिक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ना, बिजनेस अलग बात, बिजनेसमैन अलग बात, सामने देखो बिजनेस, तू अलग बात, बिजनेसमैन अलग बात। मैं अकाउंट्स किसके बनाता हूँ, बिजनेस के, बिजनेसमैन के, हमेशा बिजनेस के। बिजनेस क्या कह रहा होता है बिजनेसमैन को, अरे तूने स्टार्ट करने के लिए कैपिटल दी, मेरा कर्जा है तेरे पैसे, आज नहीं तो कल वापस करूंगा। और ध्यान रखना सुनो, मान लो उसने 10 लाख रुपए दिए बिजनेस शुरू करने के, तो आपने दिखाई होगी कैपिटल 10 लाख, और मान लो 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ ही, आपने क्या करा, यहाँ 1.5 लाख रुपए और जोड़ दिए, मतलब लाइबिलिटी होगी 11.5 लाख। कैसे जुड़ी ये प्रॉफिट यहाँ पर, वो प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा उसको बिलोंग करता है जो बिजनेस चलाने का रिस्क लेता है, दैट सिंपली मींस बिजनेस। अब आपने जब लाइबिलिटी में दिखाया कि मुझे बिजनेसमैन के 10 लाख रुपए देने, क्योंकि उसने बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा दिया, अब ये 1.5 लाख किसको देना है, ये भी तो बिजनेसमैन को ही देना। प्रॉफिट या लॉस किसका होता है, हमेशा बिजनेसमैन का होता है। आपने क्या करा, 1.5 लाख से लाइबिलिटी और बढ़ा दी, कि 10 लाख तो तूने बिजनेस चलाने के लिए दिए थे, वो तो तेरे देने ही देने हैं, तू बिजनेस चलाने का रिस्क भी ले रहा है, प्रॉफिट भी तेरा है, 1.5 लाख तुझे और दूंगा, यानी कि मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 11.5 लाख है। ऑन द सेम लॉजिक आज भी बेटा, ये सोल प्रोवाइडरशिप में, अब ये पार्टनरशिप में, जितना प्रॉफिट होगा पार्टनर के हिस्से का, वो सब कहां जुड़ जाएगा, पार्टनर की कैपिटल में जुड़ जाएगा। लॉजिक सेम, प्रॉफिट हो या लॉस हो किसका है, हमेशा प्रॉफिट
पार्टनर का है, वो पार्टनर से खानदानी है, जिसने रिस्क लिया वो उसका। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है अभी तक सारी बात? ठीक है जी। अब देखो बेटा, प्रॉफिट को कितने सारे अलग अलग हेड में बांटा जाए पार्टनर्स के बीच। है तो प्रॉफिट ही, कुछ प्रॉफिट हम सैलरी के नाम का दे रहे हैं, कुछ प्रॉफिट इंटरेस्ट के नाम का दे रहे हैं, कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट के नाम का दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योर है, रिस्क लेता है, प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रिंसिपल है, मेरे बिजनेस का मालिक है, प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। लेकिन मेरे बिजनेस का एजेंट भी है, नौकर भी है, सैलरी भी मिलनी चाहिए। मिल रही है, मेरे बिजनेस में पैसा लगाता है बेटा, इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। मिल रहा है, सबके लॉजिक अपने अपने। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।